हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड जोन। तो आज हम बनाने वाले हैं चना दाल तड़का। तो सबसे पहले हम चना दाल को बॉईल करेंगे। तो उसके लिए हमने लिया है चना दाल, इसे हमने अच्छे से धो लिया है, और हमने लिया है नमक, हल्दी, तेज़पत्ता और तेल, और हमने लिया है टमाटर, प्याज, धनिया पत्ती, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, और हमने कुछ सूखे मसाले लिए हैं जिसमें है लाल मिर्च पाउडर, आपको जैसा पसंद है तीखा वैसा ले लें, और गोलकी पाउडर और गरम मसाला। तड़का लगाने के लिए हमने लिया है जीरा, दो सूखी मिर्चें, छोटी इलायची, लौंग, और हमने लिया है राई और हींग। तो चना दाल को बॉईल करने के लिए हमने लिया है एक प्रेशर कुकर। अब हम उसमें चना दाल ऐड करेंगे। हमने एक गिलास चना दाल लिया था, अब हम उसमें दो गिलास पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। अब नमक, हल्दी और तेजपत्ता हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हम गैस ऑन करेंगे। तो अब हम कुकर का ढक्कन हम लगा लेंगे, और अब हम इसमें तीन सीटी आने तक इंतजार करेंगे। तो ये देखिए, इसमें तीन सीटी लग चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। तो इसे लो फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनट हो चुका है, अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए, कुकर का गैस निकल चुका है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं दाल को। ये देखिए, दाल बिल्कुल गल चुकी है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। ये देखिए, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे, इसे हल्का सा भूनने देंगे जब तक इसका कच्चापन नहीं चला जाता। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो ये देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, और अब टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसे भून लेंगे। तो ये देखिए, टमाटर सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे और धनिया पत्ती भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट पकने देंगे। ये देखिए, दाल को पकते हुए 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें तड़का लगा लेंगे। तो तड़का बनाने के लिए हमने गैस पर इस तरह का चम्मच चढ़ा लिया है। अब हम उसमें तेल ऐड करेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम उसमें सारे मसाले ऐड करेंगे जो भी हमने तड़का लगाने के लिए था, और उसमें लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। इसे हल्का सा भून लेंगे। अब हम तड़के को दाल में डाल लेंगे और इसकी लिड हम कवर कर देंगे। तो ये देखिए, चना दाल तड़का बनकर रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। वाओ, ये देखिए। तो ये देखिए, चना दाल तड़का बनकर रेडी है। वाओ, ये बहुत अच्छा बनकर रेडी हुआ है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।